अभी हम बताने जा रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल और इसका यूज कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बहुत सिंपल सा इक्वेशन है वी इक्वल टू आई आर। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम बताएंगे कि वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज कैसे करेंगे। मान लो एक सिंपल सा सर्किट है, तो कौन है ये, कोई मान लो रेसिस्टर आर वन है और यहां आर टू है और कोई वोल्टेज सोर्स भी है। तो अभी अगर मुझे इस आर टू के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए वी टू, तो इसका कन्वेंशनल तरीका क्या है कि पहले इसमें करंट निकालो, उस करंट का वैल्यू होगा भी I इक्वल टू भी अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू भी अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये करंट का वैल्यू हुआ। अब अगर किसी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए तो इस करंट को रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वोल्टेज निकल जाएगा उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस। अगर मुझे आर वन के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए वी वन, तो इससे करंट पास हो रहा है आई और रेसिस्टेंस है इसका आर वन और आई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहां पे वी अपन आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन। इसको अरेंज करेंगे तो आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू भी, ये हो गया भी वन इक्वल टू। अगर सिमिलरली अगर रेसिस्टर टू के अक्रॉस आर टू के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए भी टू, तो वो आ जाएगा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू भी। ये तो कैलकुलेटिव हुआ, लेकिन वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है उसको हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि भी इक्वल टू आई आर है, मतलब वोल्टेज जो है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उस रेसिस्टर को ऊपर लिखेंगे और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ऐसे वोल्टेज का बंटवारा हो जाएगा। तो अगर इन शॉर्ट मुझे बिना करंट कैलकुलेशन किए हुए, बिना लूप को सॉल्व किए हुए मुझे अगर इस R2 के अक्रॉस या R1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस R1 मतलब भी R1 अगर चाहिए, तो क्या होगा यहाँ का किसके अक्रॉस, किस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए R1 के बाय टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2, सप्लाई वोल्टेज कितना है भी, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अगर रेसिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए भी R2, तो क्या होगा वोल्टेज और रेसिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R2 के अक्रॉस अगर वोल्टेज चाहिए तो R2 को ऊपर लिखेंगे बाय R1 प्लस R2 इंटू भी, ये सिंपल सा फॉर्म आ गया। अब हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। अब ये बहुत ही आसान सा हम एक सर्किट लिए, इसमें एक सप्लाई वोल्टेज है 10 वोल्ट का और दो रेसिस्टेंस है, एक 2 ओम का बैटरी है, प्लस माइनस की जरूरत नहीं, किधर से भी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी क्या है कि बिना कैलकुलेशन किए वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम इस 3 ओम जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना, तो हम क्या करेंगे भी आर टू अगर निकालना रहे इस 3 ओम के अक्रॉस, ये
वी आर टू हम इसको डिनोट कर रहे हैं, यहां से यहां का वोल्टेज। तो क्या करेंगे, यहां रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम, अपन टोटल रेजिस्टेंस कितना, ये सीरीज में है रेजिस्टेंस तो दोनों को जोड़ दो 3 + 2। सप्लाई वोल्टेज कितना है 10, ये ऐसे लिख सकते हैं 3/5 × 10, ये गया, ये हो गया 2.6 वोल्ट। तो बिना करंट निकाले अभी हम इस 3 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिए 6 वोल्ट। अब ये 2 ओम रेसिस्टेंस जो है, इसको मान लो VR1, इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर मुझे निकालना रहता तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं VR1 = किसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो 2 ओम के अक्रॉस, तो 2 को ऊपर लिख लेंगे, अपन टोटल कितना है 2 + 3, सप्लाई वोल्टेज कितना है 10, तो 10 लिख देंगे, तो 2/5 × 10 4 वोल्ट, यही हो गया आंसर। तो अभी क्या हो गया कि बिना हम करंट निकाले किसी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा हम निकाल सकते हैं। और ये तो सिंपल सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट भी रहेगा तो जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से भाग दे देंगे और जो सप्लाई वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डायरेक्ट एक स्टेप में वोल्टेज आ जाएगा उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस।